हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास में, जहाँ पर अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन देख लिया है, उसके बाद में आयलर्स थ्योरम देख ली है, उसके एग्जांपल और क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो अपन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो आपके हैं टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके अंदर अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलनों का आकलन। यानी कि कोई फंक्शन दिया गया है या बीजीय समीकरण है, उसको y का मान x के चरों में स्पष्ट रूप से नहीं ज्ञात किया जा सकता, ऐसे फलनों का अपन आकलन कैसे ज्ञात करें? ठीक है, यानी y को x के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके। तो यहाँ पर इसमें जो आपके हैं अस्पष्ट फलनों की डेफिनेशन क्या है, इसमें दिया गया है कि मान लिया है fxy कोई फलन है fxy बराबर 0, जहां पर ठीक है ये क्या है, एक बीजीय संबंध है। एक बीजीय संबंध है तथा y का मान x के पदों में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं किया जा सके, स्पष्ट ज्ञात नहीं किया जा सके, ऐसे जो भी बीजीय संबंध आएंगे उसमें y का मान x के पदों में स्पष्ट ज्ञात किया नहीं जा सकता। इस तरह का जो भी फलन होगा वो क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे अपन y को x का अस्पष्ट फलन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अस्पष्ट फलन। y जो होगा x का अस्पष्ट फलन होगा यहाँ पर। तो इस तरह के जो भी फलन आएंगे उनका आकलन कैसे ज्ञात करें, इस पर आधारित एक थ्योरम दिखी है लोगो कि उसके अंदर fxy बराबर constant c दिया गया है तो dy by dx कैसे ज्ञात करें। यहाँ पर क्या है, fxy बराबर constant c, y का मान x के स्पष्ट फलन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तथा y x का अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट फलन है। तब मान क्या कीजिए, dy by dx का मान जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डेल f अपॉन डेल x और डेल f अपॉन डेल y, ये होता है ये याद करके। और जहां पर क्या है आपके डेल f अपॉन डेल y का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से तो अपन मानते हैं fxy x और y दोनों का फलन है, fxy x तथा y का फलन है। तथा y स्वयं x का फलन है और y भी जो है वो क्या है, x का फलन है। तो अपन कहेंगे कि fxy जो है x का अस्पष्ट फलन है, अतः जो f का x के रिस्पेक्ट में अवकलन मान ज्ञात करेंगे, जिसको बोलेंगे df upon dx, इसको लिख सकते हैं अपन del f upon del x। ठीक है, और ये dx upon dx plus del f upon del y और dy upon dx, ये हो गया है इसका अवकलन गुणांक। तो यहां से ये क्या बनेगा, df upon dx, ये del f upon del x और ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपके del f upon del
साथ लर्न दिया है कौन, ठीक है, एफ एक्स वाई क्या है कॉन्स्टेंट सी, देन डीएफ अपॉन डीएक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डीएक्स का मान क्या आ जाएगा बराबर जीरो। तो यहां से डी वाई बाई डीएक्स के बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा इधर और ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स और ये डिवाइड हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये आ गया है आपके टेस्ट वेस्ट फलनों का अवकलन, ठीक है, प्रथम अवकलज है। इसके बाद में द्वितीय अवकलज है, द्वितीय अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये है माइनस ओ क्यू स्क्वायर आर माइनस टू पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर इंटू पी अपॉन और ये आ जाएगा आपके आर की पावर थ्री। ये है आपके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर याद करने का फॉर्मूला, ठीक है, जहां पर p क्या है, p की वैल्यू है डी वाई बाई डी एफ अपॉन डी एक्स, p की वैल्यू है आपके डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये p, q की जो वैल्यू है वो है आपके डेल एफ अपॉन डेल वाई, r की जो वैल्यू है वो आपके डेल स्क्वायर है डेल वाई, आर की वैल्यू जो है डेल एफ डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस की जो वैल्यू है वो है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई या डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, और जो आपके टी की वैल्यू है वो है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, E है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, Q है डेल एफ अपॉन डेल वाई, R है डेल टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर और S है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई और T की वैल्यू है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहां से इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसको लिखते हैं अपन माइनस ओ डेल एफ अपॉन डेल एक्स और ये डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहां से ये क्या मिल जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स है आपके पी, तो ये माइनस साइन ये पी और डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान है क्यू, तो ये बन गया माइनस का पी अपॉन क्यू। तो आपके जब भी इस तरह का अस्पष्ट फलन आएगा एक्स और वाई में, जहां वाई क्या होगा एक्स का फलन होगा परंतु अस्पष्ट होगा, तो वहां पर अपन कैसे याद करेंगे अवकलन, वो अपन ने देखा है कि dy by dx कैसे ज्ञात करना है और del 2y upon del x square कैसे ज्ञात करना है। अब अपन जो है इसके एग्जांपल देख रहे हैं अभी, तो एग्जांपल नंबर 1 दिया है u इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर वेयर एक्स बराबर है लॉग टी, ठीक है, वाई बराबर है e की पावर टी, तब कहा है अपन से कि डी यू मोड डी टी ज्ञात कीजिए,
डी टी ये व्याकरण है। ठीक है, तो यहां से डी ओ बॉन्ड डी टी क्या बनेगा, देखो यहां से ये टी के रिस्पेक्ट में सीधा नहीं होगा क्योंकि यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई का है और एक्स जो है वो है आपके टी का फंक्शन। ठीक है, तो यहां से एक चीज और आप देखो कि जब यू फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स और वाई है किसी और दूसरे चर के फलन, तो अपन को डी यू अपॉन डी टी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और ये डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये तो तब है जब यू फंक्शन है एक्स और वाई का। अगर यू फंक्शन है एक्स वाई जेड, क्या है यू फंक्शन है एक्स वाई जेड, तब अपन को अगर डी यू अपॉन डी टी क्या करें डी यू अपॉन डी टी और एक्स और वाई जेड जो फंक्शन है टी के, तब डी यू अपॉन डी टी क्या करने के लिए कहें तो इसका आंसर जो होगा वो कैसे होगा, इसको लिखेंगे अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और ये डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड और ये आपके डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये एक्स और वाई जेड के लिए है। अगर यहां से आपके एक्स वाई जेड ये अगर एक्स वाई जेड ना होते एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस तरह से हो तो यहां से क्या जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स वन डी एक्स वन अपॉन डी टी डेल यू अपॉन डेल एक्स टू और डी एक्स टू अपॉन डी टी डेल एक्स थ्री अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स थ्री और डेल एक्स थ्री अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स फोर और डी एक्स फोर अपॉन डी टी, इस तरह से ये चलता रहेगा एन फलन है तो। ठीक है, ये है इस तरह से अवतरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब कब ज्ञात करना है ये जब यहाँ पे दिया गया फंक्शन एक्स और वाई का फलन है और एक्स और वाई क्या है किसी और चर के फलन है तब ये अवतरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो डी यू अपॉन डी टी तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा ये साइन का हो जाएगा आपके कोस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी ये रहा डी एक्स अपॉन डी टी इसका करेंगे तो क्या बनेगा वन अपॉन टी। ठीक है, ये बन गया है आपके वन अपॉन टी। इसके बाद में प्लस ये डेल यू अपॉन डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कोस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जब एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे तो ये टू एक्स वाई और इसके बाद में डी वाई अपॉन डी टी इसका करेंगे तो ये ई की पावर टी ये बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास कोस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है ये कोस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन दोनों में यहां से वाई भी कॉमन है तो ये वाई अपने पास बच गया है यहां से वाई अपॉन टी प्लस और यहां से ये बच गया है टू एक्स इंटू वी की पावर टी ये बच गया है। ठीक है, यहां से ये e की पावर t और वैल्यू जो e की पावर t का मान है y ये cos x y स्क्वायर ये गुणा y y अपॉन t प्लस ये बन जाएगा आपके पास 2 x
d प्लस 2x, ये बन गया है आपके du अपॉन dt। ठीक है, इसी प्रकार आपके जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो ज्ञात करेंगे, उसमें भी du अपॉन dt ज्ञात करना है। देखो इसमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 2 में u बराबर दिया है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और साथ में दिया है y क्यूब प्लस 3 a x y बराबर है 5 a स्क्वायर। साथ ही इसका मान एक बार तो क्या करना है du अपॉन dt क्या करना है, और इसका मान x बराबर a और y बराबर a पर du अपॉन dt क्या करना है। ठीक है, तो यहां से वही कंडीशन लगा देंगे क्योंकि यहां पे u फंक्शन है x और y का। ठीक है, तो यहां पर du अपॉन dt, सॉरी यहाँ पे dt, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, t तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, du upon dx याद करना है, du upon dx। ठीक है, तो du upon dx याद करेंगे तो ये क्या बनेगा, tan u upon del x और ये dx upon dx प्लस tan u upon del y और ये आपके dy upon dx। तो ये तो del u upon del x, ये तो बन जाएगा 1 और ये del u upon del y और ये गुणा में dy upon dx, ये बन गया। तो जब u का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 upon 2 x square plus y square और ये x square का हो जाएगा आपके 2x प्लस यहां से del u upon del y करेंगे तो वही 2y upon 2 x square plus y square याद है। अब dy by dx कहां से याद है, तो इसके लिए इसका भी इंटीग्रेशन आएगा dy by dx। तो यहां पे देखो, यहां से जब अपन अवकलन करेंगे x cube plus y cube plus 3xy बराबर 5a square का विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने मिलेगा 3x² 3y² dy by dx x के रिस्पेक्ट में 3ay प्लस ये बन जाएगा आपके 3ax dy by dx बराबर 0। यहां से dy by dx वालों का इंटीग्रल लेंगे और पूरे में 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके भेज देंगे 0 में, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस ए और प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स और गुणा में डीवाई बाई डी एक्स, ये बन गया है बराबर 0। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये बन गया है। तो dy by dx की वैल्यू रखेंगे यहां पर जो आपने समीकरण आया है इस वाले समीकरण, तो इस वाले में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल, यहां पे x / x² + y² का रूट
y स्क्वायर प्लस ax। यहां पर अपने y भी आएगा, ठीक है, तो ये y, ये बन गया है du ओवर dx, du ओवर dx हो गया है। अपन को कहा है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो कब, जब x बराबर y बराबर क्या हो, a। तो x बराबर y बराबर a में वैल्यू ज्ञात करेंगे तो du by dx क्या बन जाएगा, ये du by dx इस पॉइंट पर x बराबर y बराबर a पर। तो यहां पर सभी ने x और y की वैल्यू क्या रख देंगे, a। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट माइनस, ये माइनस था तो माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट गुणा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा आपके a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो बढ़ जाएगा, बन जाएगा ये आपके वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू बराबर जीरो, ठीक है। यानी कि डेन यू अपॉन डेन एक्स का मास, डेन यू बाई डेन एक्स का जो मान है एक्स बराबर वाई बराबर ए में क्या आ रहा है, जीरो। इसी तरह अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन की और एग्जांपल भी हल करेंगे, ठीक है।